दोस्तों एथर एनर्जी ने इस बार भी काफी अच्छा ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिया है इन टर्म्स ऑफ सेल। हर मंथ इनके जो सेल्स है वो बढ़ ही रहे, घट नहीं रहे। इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है इनकी जो एथर एनर्जी की जो नई गाड़ी है एथर 450X Gen 3। जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है इनके सेल्स फिगर में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है और हर मंथ इनके जो सेल्स फिगर है वो आपको बढ़ते हुए देखने मिल रहा है। कारण गाड़ी का भी नहीं है, कारण और भी कुछ है जिस कारण से इनके जो सेल्स फिगर है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। राइट नाउ अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो एथर का जब से 450X Gen 3 आया है तब से ही इनके सेल्स अच्छे खासे बढ़े। इसके पहले इनके सेल्स लगभग 3.5-2.5 ऐसा कुछ देखने को मिलता था, बट जब से Gen 3 आई है इनके जो सेल्स फिगर है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है। और ऐसे में एथर कंपनी कुछ समय बाद शायद दूसरी कंपनी को ये जरूर बोलने वाला है तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नो, ये गेम तो नहीं बजाएगा, लेकिन हाँ एक लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल पे इस गाड़ी की रेस्पेक्ट होनी लग जाएगी। अभी भी रेस्पेक्ट होती है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि हाँ अगर किसी को गाड़ी लेना है तो एथर गाड़ी लेना है, ऐसा टाइप का हो जाएगा। मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको बोलूं आईसी इंजन में एक ऐसी कंपनी आई लाइक XYZ कोई भी कंपनी आई है, मैं बोलूं उसमें बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, एवरेज बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथ गाड़ी है और प्राइस भी कम है, तो क्या आप गाड़ी लोगे? नहीं, आप फिर भी एक्टिवा ही लोगे क्योंकि आपका ट्रस्ट उसके साथ बिल्डअप है। यही सेम चीज देखने को मिल रही है एथर के केस में। एथर का ट्रस्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका है लोगों के बीच में, प्राइस ज्यादा है, रेंज कम है, टॉप स्पीड भी एडिक्वेट है, फिर भी इस व्हीकल की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। इसका जो मेन कारण मैं आपको बता देता हूँ, पहली चीज तो इनका जो एक्सपीरियंस सेंटर है वो पहले काफी कम था, कम जगह पे था, बट राइट नाउ दे आर एक्सपेंडिंग मैसिवली। 45 सिटीज में ये ऑलरेडी एक्सपांड कर चुके हैं और 55 एक्सपीरियंस सेंटर ये ओपन कर चुके हैं। 4 और सिटीज में इन्होंने और एक्सपीरियंस सेंटर ओपन किया है, उसमें से पहला है रांची, कोलकाता, मुंबई एंड राजकोट। जहां जहां इनका ऑलरेडी ओपन है वहां पे इन्होंने और भी एक्सपांशन किया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस सेंटर, जिस कारण से इनके सेल्स है वो ज्यादा अब देखने को मिल रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इनके जो सेल्स फिगर है उसमें एक और बड़ा हाथ है फ्लिपकार्ट का। कंपनी ने अपनी गाड़ियों को फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड किया है, बट ये एक पायलट है, यानी कि सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है, दूसरे सिटीज के अगर पिन डालते हो तो वहां पे आपको शो नहीं करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एथर कंपनी का जो ग्रोथ है वो मार्केट को किल करने वाला है कुछ समय बाद। देखिए मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे कोई कंपनी या तो कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। अभी एथर का समय है तो एथर के जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो दूसरी कंपनियों के कंपेयर में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि सडनली कोई नया वेरिएंट निकाल लिया, नई गाड़ी ला ली या नया डिजाइन लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो गाड़ी एग्जिस्टिंग है उसी को ही सेल कर रहे हैं, उसके बाद भी रिस्पांस देखो बहुत ही ताबड़तोड़ है। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही था, स्टे ट्यून करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ओवरऑल सेल्स का जो रिपोर्ट है वो आने वाला है। जैसे ही आ जाएगा उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा कि कौन कितना ऊपर है कौन कितना नीचे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, नया तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा तो प्लीज शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।